राजस्थान के कोटा से छात्रों को बस भेजकर बुलाए जाने वाली सीएम योगी की प्रतिक्रिया को कई लोग अच्छा बता रहे हैं तो कई लोग इसकी निंदा भी कर रहे हैं। वहीं राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर कोई दूसरे राज्य की सरकार भी अपने स्टूडेंट्स को बस भेजकर बुलाना चाहती है तो हम तैयार हैं। वहीं बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने यूपी से कोटा के लिए बस चलाए जाने का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि ये लॉकडाउन के नियमों और उद्देश्य के खिलाफ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। केंद्र सरकार को इस मामले को देखना चाहिए। हम लोग बिहार के बाहर रहने वाले लोगों की स्थानीय स्तर पर ही मदद कर रहे हैं। यूपी सरकार के इस फैसले से देश के दूसरे राज्यों पर भी दबाव बनेगा। अन्य राज्यों के लोग भी कहेंगे कि अगर यूपी की सरकार कोटा से छात्रों को बुला रही है तो हमारे बच्चों को भी बुलाया जाना चाहिए। इसके बाद ट्रेन और बसें चलाने की मांग भी होने लगेगी। वहीं आपको बता दें कि सीएम योगी ने यूपी के स्टूडेंट्स को वापस बुलाने का फैसला क्यों लिया था। दरअसल कोचिंग के हॉस्टल में भी एक छात्र पॉजिटिव मिला है। ये 13 अप्रैल को कोटा से भरतपुर पहुंचा था। इस रिपोर्ट के बाद उस हॉस्टल में रह रहे 11 स्टूडेंट्स की जांच भी कराई गई और उन्हें क्वारंटीन में भेज दिया गया है। इससे कोटा में रह रहे यूपी समेत बाहरी राज्यों के छात्र डरे और सहमे थे, जिसके बाद सीएम योगी ने ये फैसला लिया कि यूपी के सभी छात्रों को कोटा से बुलवा लेना चाहिए। न्यूज डेस्क।